सब YouTube, दिस इज शिक्षा ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज आपको देखो, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ, और ये रहा पीछे ऑटो एक्सपो आया हूँ मैं। बहुत टाइम से हो रहा था आने का, पर आज फाइनली मैं आ चुका हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या नहीं है, तो देखते हैं। टाटा ने निकाली है सियारा, और ये इलेक्ट्रिक कार है, और बहुत ही मतलब लुक बहुत ही किलर लगा इसका मुझे, तो दिखाता हूँ मैं। एंड टाटा सियारा में आप देख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट लुक दिया है, ये कितना आई कैचिंग है। मतलब कोई भी आता जाता बंदा ना सीधा वहीं देख रहा है, मतलब यार ये क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ज़्यादातर मतलब सारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं एंड बसेज हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ जो ऊपर है ना, ये यहाँ पे सारी मतलब टेस्ट ड्राइविंग हो रही है। और ये हमारा दोस्त हमारे साथ विराज, ये टाटा डीजल सीएनजी और अब पेट्रोल में भी होगा। ये जो मेरे बैकग्राउंड में बस है, ये इलेक्ट्रिक बस है, और मतलब यार अच्छा है, मतलब पॉल्यूशन कम होगा फ्यूचर में हमारे। इस कंपनी का नाम है ईवी, एंड इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स हैं। इस कार का नाम है कैडिलैक, और आप देख सकते हो पिंक कलर में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये 8 सिलेंडर कार है, एंड दिस इज लुक सो ब्यूटीफुल। और आप देख सकते हो ये कैसे शाइनिंग मार रही है, वाह। मतलब सबसे वहाँ पे भी सबका फोकस इस पे ही जा रहा था। और ये देखिए, और भी बहुत सारी हैं, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड एंड ब्लैक, मतलब फुल रॉयल मैन। ये स्पोर्ट्स कार्स की भी कुछ अलग ही बात है, बट यार उनकी भी कुछ अलग ही क्लास है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी। तो अभी आपने देखा जो मैंने सुपर कार्स आपको दिखाई, मतलब यार दिमाग बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सी लग रही थी देखने में, और बहुत उधम लग रहा था देखने में। और देखो यहाँ पे जिप्सी टाइप, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कार की, तो कुछ गलती हो जाए तो यार सॉरी। और ये देख सकते हो पीछे बहुत बड़ा, मतलब चलते चलते तुम्हारे पैर में दर्द हो जाएगा, पर ये ख़त्म नहीं होने वाला कुछ भी। और मेरे हेयर्स को इग्नोर करना सब। रेनॉल्ट सिम्ब्यूज, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड आप इसका अट्रैक्टिव पॉइंट देखोगे तो इसकी रूफ फुल्ली ट्रांसपेरेंट। जो अभी आपने देखी रेनॉल्ट की कार, यार इस पे तो दिल आ गया, मतलब कितनी उधम लग रही है, मतलब कुछ अलग ही था ये सारी। मतलब जो अभी लैम्बोर्गिनी वगैरह खड़ी थी उनको भी स्टाइल में डिज़ाइन में पीछे छोड़ चुकी है, इतनी उधम लग। और ये रेनॉल्ट ने बनाई है सिंगल लोगों के लिए कार, सच बताऊँ तो मतलब बस सिंगल पर्सन ही इसमें बैठ के ड्राइव कर सकता है यार, अलग ही कुछ। ये जो कार अभी आपने देखी ये बनी है सिंगल लोगों के लिए, मतलब इतनी छोटी कार यार, कुछ अलग ही हो रहा है। मारुति फ्यूचरो ई कॉन्सेप्ट, और आप देख सकते हो अट्रैक्टिव लुक के साथ ये शोकेस की गई है ऑटो एक्सपो में। मारुति सुजुकी ने ये कार शोकेस की है, एंड इसका नाम है मारुति जिम्नी, और 4x4 SUV है ये, एंड इसका लुक आप देख सकते हो। ये कार है महिंद्रा की, और इसका नाम है फनस्टर, और मतलब ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है, और ये इंडिया में ही बनी है। फुल्ली आई कैचिंग डिज़ाइन है यार इसका, देख सकते हो आप।
और ये फोर्स कंपनी के गुरखा फुली कस्टमाइज्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा किलर लाइट ही देखो इसकी। इसकी हाइट इतनी लंबी है और देख रहे हो कितनी उधम लग रही है, मतलब फुल हार्ड ऑफ रोडिंग के लिए ही लग रही है, वो ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है, बहुत खतरनाक सीन लग रहा है। फ्यूचर इज हेयर, और आप इनके डिज़ाइन देख सकते हो, मतलब फुल आई कैचिंग लग रहे हैं यार दूर से ही, और स्कूटर से ही है और ये भी इलेक्ट्रिक है, मतलब फुल मज़ा आने वाला आने वाले टाइम पे। और ये हायाबुसा है और इसमें कम से कम 1500 हॉट व्हील्स लगाई हुई है इसमें फुल, और ये ऐसे यहाँ पे चला के लाए थे, और ऐसे नहीं कि ये सिर्फ शो पीस है, ये चलती। तो अब बात करते हैं किया कंपनी की, जिसकी कार्स आजकल इंडिया में बहुत चल रही हैं, और आप इस कार को देख सकते हो, इसका नाम है कार्निवल, और देख सकते हो कितनी बिग लग रही है यार ये कार, फुल ब्लैक की शाइनी। ये कार भी किया की है और इसका नाम है सोनेट, और इस कार का कलर भी बहुत यूनिक था, ऑटो एक्सपो में ऐसे कलर की कार कोई दिखी ही नहीं, एंड इसका नेम भी कार्निवल है बट ये हाई लिमोजीन है, और साइड लुक आप देख सकते हो कितनी बिग कार है, ये भी उससे, ये पहले वाली कार्निवल से बहुत बड़ी है ये कार। ये कार है MG की E200, और ये एक चार्ज के बाद 250 किलोमीटर चलती है, एंड ये 2-सीटर है और बहुत क्यूट सी कार लग रही है ये छोटी सी। MG की विजन आई कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, और ये काम कैसे करती है, मतलब आप इसमें अपना एड्रेस डाल दो और ये आपको ड्रॉप कर देगी आपकी डेस्टिनेशन पे, और आप देख सकते हो लुक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है इसका। ह्यूंडाई काइट नाम है इसका, और ये ड्यून बगी है और ज़्यादातर सैंड पे चलती है, ना इसका रूफ है ना इसके डोर्स हैं। एंड ये कार है ह्यूंडाई की लेफिल रूस, और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये कार यार। सो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, पर ये कुछ अलग ही लगा ह्यूंडई में, और मतलब कुछ अलग ही है। वाओ, नॉट बैड, वेल डन पीपल, बढ़िया। आप ये देख सकते हो, ये पूरी वेस्टेज से बनाई हुई है, और मतलब लुक देख लो कितना खतरनाक लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। ये सब वेस्टेज से बनाई हुई है और मतलब बहुत अच्छी लग रही है देखा जाए तो। सो फाइनली वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी हालत आप देख सकते हो कैसी हो गई है, क्योंकि यार यहाँ 3 हॉल है देख रहे हो, मतलब कहाँ से रास्ता निकल रहा कुछ पता नहीं चल रहा, और बहुत थक चुका हूँ यार सच बताऊँ तो। इतना चल के मैं इतनी बार इतना चला पहली बार हूँगा,
और पर बस यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो जल्दी सपोर्ट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।